स्मेल्टिंग होता है अगर ओर के ऑक्साइड को हम किसके साथ, सीओ के साथ या फिर सीओ टू के साथ मिक्स करके रिबेटरी फर्नेस का यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करें। ठीक, तो तुम देखो जरा इसको, स्मेल्टिंग रिडक्शन ऑफ कार्बन क्या है ये, दिस इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बन, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन का रिडक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल, वह प्रोसेस जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है बाय फ्यूजन, किसके द्वारा, फ्यूजन द्वारा ऑफ इट्स ऑक्साइड ओर, किसके फ्यूजन द्वारा, इसके ऑक्साइड ओर द्वारा विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओर के ऑक्साइड का कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फ्यूजन होता है और उससे आपका इस मेटल को निकाला जाता है, ऐसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय रिबर्बेटरी फर्नेस, किसके द्वारा, इसमें आपकी जो फर्नेस यूज की जाती है वो रिबर्बेटरी फर्नेस यूज की जाती है। एग्जांपल के लिए ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ZnO की रिएक्शन कार्बन के साथ एक टेम्परेचर पर कराई तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बने और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि निकल गई। Fe2O3 प्लस CO, गाइज आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, राइट, Fe2O3 प्लस CO, ठीक है, इसमें अगेन आपकी CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 823 केल्विन पर रिएक्शन कराई गई तो आपका ट्वाइस FeO प्लस CO2 गैस निकली। ठीक, क्या प्राप्त हुआ आपको, क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट आपका बना FeO और CO2 गैस आपकी निकल गई। गाइस ये जो आपका ऊपर एरो का साइन होता है ये आपको गैस निकलने का शो करता है और जब नीचे को अगर कहीं आपको साइन मिल जाए तो ये प्रेसिपिटेशन को शो करता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं Fe2O3 प्लस 3C, मतलब Fe2O3 के कार्बन की प्रेजेंस में हीटिंग कराई तो हमें क्या मिला, प्योर आयरन मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी फटाफट से बाहर निकल गई। तो ये था आपका स्मेल्टिंग और स्मेल्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, किसके द्वारा हम रिडक्शन करने वाले हैं, हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन करने वाले हैं। उससे पहले हमने किसका रिडक्शन किया था, कार्बन के द्वारा रिडक्शन किया था। तो देखो जरा, इट इज डन फॉर W और MO, W क्या होता है गाइस, टंगस्टन और MO होता है मॉलिबेडनम ऑक्साइड। ठीक है, इट इज डन फॉर टंगस्टन और मॉलिबेडनम ऑक्साइड्स, तो रिएक्शन आपके लिए दी हुई है WO3 प्लस 3H2, WO3 की रिएक्शन या फिर टंगस्टन के ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई गई जो कि एक रिडक्शन प्रोसेस थी, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो आपका प्योर टंगस्टन प्राप्त हुआ और वाटर प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिडक्शन है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, किसके द्वारा रिडक्शन, एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन। गाइस गिनते जाना, आप तीन रिडक्शन पढ़ चुके हो, तीसरा ये पढ़ने वाले हो, पहला आपने कार्बन के साथ पढ़ा था, दूसरा हाइड्रोजन के साथ और तीसरा एल्यूमिनियम के साथ। तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, इट इज नोन एज, ये जाना जाता है एज एल्यूमिनियोथर्मिक रिडक्शन, ये किसके रूप में जाना जाता है, एल्यूमिनियोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जाना जाता है और गोल्ड सिमिट थर्मिक प्रोसेस, और इसे क्या बोलते हैं, गोल्ड सिमिट थर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। गाइज एल्यूमिनियम के रिडक्शन को क्या बोलते हैं, गोल्ड सिमिट थर्मिक रिएक्शन और दूसरा नाम इसका है एल्यूमिनियोथर्मिक रिडक्शन। आपने ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, क्या पता किस नाम से आपकी ये रिएक्शन आपके पेपर में आ जाए। तो एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, एल्यूमिनियम किस पर्पस में यूज़ किया जाता है, रिडक्शन के पर्पस में यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस और गोल्ड शिमिट
थर्मिक प्रोसेस। अब इसके रिएक्शन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, Cr2O3, ठीक है, क्या है रिएक्शन Cr2O3, जिसकी की रिएक्शन कराई गई एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम का जो कि पाउडर फॉर्म है, क्या है गाइज, पाउडर फॉर्म है, ठीक है, Cr2O3 की एल्यूमिनियम के पाउडर फॉर्म के साथ रिएक्शन कराई गई, तो आपका क्या बना, सिंपल सा देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई, Al2, ये वाला Al2 और O3, Al2O3 एंड प्लस ट्वाइस Cr, सिंपल सी रिएक्शन है गाइज, इधर देखो Al2O3 प्लस 3 ट्वाइस Cr, तो ये है आपका एक सिंपल सा एग्जांपल किसके लिए, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, क्या है ये, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, किसकी बात कर रही हूँ गाइज मैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम डेट इज द रेशियो ऑफ 3:1 इज नोन एज थर्मेटिक और मिक्सचर ऑफ इसका, ठीक है, फिर से समझ लो, रटने वाली चीज़ है ये पूरी तरह से, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम डेट इज, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम की, तो वो क्या है, 3:1 में है पहली बात, एंड इज नोन एज, क्या किस नाम से जाना जाता है, थर्मेटिक एंड मिक्सचर ऑफ BaO2 प्लस Mg, किस नाम से जाना जाता है, थर्मेटिक के नाम से या फिर BaO2 के मिक्सचर और Mg के मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, पाउडर एक्ट एज एग्निशन पाउडर, ये पाउडर किसकी तरह यूज़ किया जाता है या फिर किसकी तरह रिएक्ट करता है, ये एक्ट करता है एग्निशन पाउडर की तरह, ठीक गाइज, इस पॉइंट को आप एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये था आपका रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकेंड गाइज, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ चीज़ों को, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ये था आपका रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा था रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है, तो हमने 3 रिडक्शन अब तक पढ़ लिए, अब आगे का नेक्स्ट रिडक्शन देखते हैं, अब है ऑटो रिडक्शन, क्या है गाइज, ऑटो रिडक्शन, तो ये ऑटो रिडक्शन होता क्या है, चलो देख लेते हैं, हमें तो पता नहीं है भाई, है ना, दिस इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर, ये कैसे यूज किया जाता है, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, ऑफ PbHg कॉपर एंड ETC, मतलब ये किसी के भी इनके सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, Pb मतलब लेड मर्करी एंड कॉपर, ठीक है, नंबर 2 द सल्फाइड ओर इज हीटेड इन सप्लाई ऑफ एयर, क्या है ये, सल्फाइड ओर जो है हीट किए गए हैं इन अ सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई में, एट 770 डिग्री टू 970 डिग्री केल्विन, जो ये सल्फाइड ओर हैं इन्हें गर्म किया गया है सप्लाई इन अ सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, एयर की सप्लाई में एट 770 डिग्री एंड 970 केल्विन, व्हेन द मेटल सल्फाइड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, जब मेटल सल्फाइड क्या है पार्शियली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, क्या बनाने के लिए, इसका ऑक्साइड बनाने के लिए एंड सल्फेट बनाने के लिए, विच रिएक्ट विद द रिमेनिंग सल्फाइड, जो कि रिएक्ट करते हैं किसकी तरह, बचे हुए सल्फाइड की तरह, टू गिव द मेटल, मेरी बात समझ पा रहे हो, कि जो आपके सल्फाइड और ऑक्साइड हैं, मेरी बात देखो एक बार फिर से समझ लो, मेटल सल्फाइड ने पार्शियली ऑक्सीडाइज हुए है ना और बनाया ऑक्साइड एंड सल्फाइड बनाया, फिर जो ये ऑक्साइड और सल्फाइड आपके बन गए, इन्होंने किसके साथ रिएक्शन करी, जो बचे खुचे इनके सल्फाइड्स थे उनके साथ रिएक्शन करी और फिर क्या बनाया, आपका प्योर मेटल बनाया, तो इसकी एक रिएक्शन देख लो, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन है ट्वाइस Cu2S की रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर की प्रेजेंस में, तो फिर आपका क्या बना, देखो एकदम सिंपल सा रिएक्शन बन गया, ये और ये, ठीक है ना, Cu2O प्लस SO2 निकल गया आपका बाहर, फिर यही जो आपका Cu2O बना, इसने फिर से रिएक्शन करी किसके साथ, Cu2S के साथ,
तो CU2S ने जब अगेन आपकी CU2O के साथ रिएक्शन करी, जो कि आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर निकला है, तो आपका प्योर कॉपर निकला. क्या निकला? प्योर कॉपर निकला. मतलब आपका ये हुआ कि मेटल के सल्फाइड की आपसे इनसे दो बार रिएक्शन हो रही है. पहले मेटल का सल्फाइड एयर से रिएक्शन करके क्या बन रहा है? ऑक्साइड बना रहा है. फिर जो ये ऑक्साइड बना उसकी रिएक्शन अगेन सल्फाइड से हुई और क्या बन गया? आपका प्योर मेटल बन गया. मेरी बात समझ पा रहे हो? इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है. लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है बट चीज़ें आप समझ सकते हो, है ना? एक दो बार पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी. ये हम पढ़ा चुके हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, रिडक्शन बाई Mg. मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन. तो देखो इसको भी, मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन कैसे हो रहा है? रिएक्शन दी है TiCl4 प्लस Mg. जो आपका TiCl4 है ये मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? आपकी एक सिंपल सी रिएक्शन दे रहा है, ट्वाइस MgCl2 प्लस Ti, जो आपका क्या है? मेटल है. और क्या निकला आपका? ये आपका एक प्रोसेस का नाम आ गया, आपका प्योर. अगर Ti आपका प्योर बन रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोल प्रोसेस. क्या बोलते हैं? रोल प्रोसेस, ठीक है ना? इसको रोल भी पढ़ते हैं. तो आपको इसका नाम समझ में, रिएक्शन समझ में आ गया कि सिंपली आपने एक ओर लिया, किसका? Ti का. उसकी रिएक्शन कराई Mg से, सिंपल सी रिएक्शन हुई और MgCl2 बाहर निकल गया और आपके पास प्योर Ti गेन हो गया. इस प्योर Ti को गेन करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं क्रॉल प्रोसेस. डन. नेक्स्ट आपका पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. क्या है गाइस? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. तो देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ? कि कुछ समथिंग इलेक्ट्रोलाइट वाला सीन क्रिएट हो रहा है. तो वही है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोमेटलर्जी. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. ये कैसी प्रोसेस है? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है. गाइज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, ठीक है? चलो मत बताओ, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, etc. बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर ऑक्साइड्स. किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इसके ऑक्साइड द्वारा और हाइड्राइड्स द्वारा और क्लोराइड्स द्वारा. मतलब ये हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं या मेटल होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए की जाती है. और इनको जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो पर्टिकुलरली या तो इनके ऑक्साइड्स लिए जाते हैं या इनके हाइड्राइड्स लिए जाते हैं या फिर क्लोराइड्स लिए जाते हैं. गाइस तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव आइंस बनेंगे और फिर वो अलग अलग हो जाएंगे. इनफ्यूज्ड स्टेट. किसमें गाइस? इनफ्यूज्ड स्टेट. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट. मैग्नीशियम किससे बनता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट, ठीक? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट, जिसे कहते हैं ड्रॉज प्रोसेस. क्या कहते हैं गाइस? ड्रॉज प्रोसेस. हमारे सामने अब तक दो प्रोसेस आ गई. एक आ गई क्रॉस प्रोसेस जिसमें हमने बनाया Ti और एक आ गई ड्रॉज प्रोसेस. क्या आ गई? ड्रॉज प्रोसेस जिसमें हमने बनाया अपना मैग्नीशियम. क्या बनाया गाइस? मैग्नीशियम. तो इसमें कुल मिला के इम्पॉर्टेंट है आपके दो प्रोसेस के नाम और इनसे क्या बन रहा है ये. नेक्स्ट है गाइस रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल. किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? अपन का टॉपिक है फिजिकल मेथड. तो चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है फिजिकल मेथड्स. सबसे पहले हमने लिखा लिक्विफिकेशन, ठीक है ना? लिक्वेशन. तो इसे पढ़ो जरा. दिस मेथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग द मैटर. ये क्या, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये प्रोसेस रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कि रखता है लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि सच एज SnPvHgBi. फॉर एग्जाम्पल SnPvHgBi, ठीक है? तो अब आप समझ जाओ कि अपना जो लिक्वेशन होता है ये किन मेटल्स को रिफाइन करता है? SnPvHgBi. देन द इम्प्योरिटीज. द
द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग अर्थ अर्थ स्लोपिंग अर्थ एंड इज जेंटली हीटेड. क्या किया जाता है, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको स्लोपिंग अर्थ पे रखा जाता है और उसको जेंटली हीट किया जाता है. द मेटल इज मेल्ट, उससे क्या होता है, मेटल जो है वो पिघलता है एंड फ्लोज डाउन और नीचे को फ्लो करने लगता है, लीविंग बिहाइंड द नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज. देखो जैसे कि इमेजिन करो कि ये आपका स्लोप वाला अर्थ है, तो आपका उस मेटल को जो इम्प्योर मेटल है उसे यहाँ पर रख के हीट किया जाता है और जब हीट किया जाता है तो जो प्योर मेटल होता है वो नीचे को पिघल के गिरने लगता है और इम्प्योरिटीज आपकी ऊपर रह जाती हैं. इस तरह से इसको एक ब्लॉक डायग्राम में समझ लो. नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन. क्या है प्यारे बच्चे डिस्टिलेशन, बड़ा नाम सुना है ना इसका डिस्टिलेशन का, क्लास 9th, 10th, 4th, 5th, 6th जितने भी साइंस की आपने अब तक की एकेडमिक सिल में काम किया है सब में आपने डिस्टिलेशन का नाम जरूर सुना होगा. दिस इज यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मैटर. ये कैसे किसमें यूज़ किया जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स में यूज़ किया जाता है सच एज जैसे कि जिंक एंड HG. द इम्प्योर लिक्विड मैटर इज इवेपोरेटेड. जो इम्प्योर लिक्विड वेपर होता है वो तो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है टू ऑब्टेन द प्योर मैटर एज डिस्टिलेट. और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्योर मैटर एज ए डिस्टिलेट प्राप्त हो जाता है. ठीक समझ गए लिक्विएशन क्या होता है और डिस्टिलेशन क्या होता है. लिक्विएशन जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जितने भी मेटल होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें मेटल को स्लोप पर रखा जाता है, स्लोप्ड अर्थ पर उसे गर्म किया जाता है, फिर प्योर वाला पिघल कर नीचे आ जाता है और इम्प्योर वाला ऊपर स्लोप पर रह जाता है. डिस्टिलेशन में क्या होता है, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो वेपराइज हो जाती है और बाकी प्योर वाला एज ए डिस्टिलेट रह जाता है. ठीक तो चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फटाफट से इसको एक बार देख लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. क्यूप्लिएशन क्या लिखा है गाइस, क्यूप्लिएशन. This method is used when impure metal contains impurities. क्या होता है, ये method तब use किया जाता है जब अपना matter impurities रखता है of other metals, किसी और metal की impurities रखता है which form volatile oxides, जो कि बना देते हैं volatile oxides. तो cupellation कब use किया जाता है, cupellation process ऐसे metals के लिए use किया जाता है जो कि अनदर एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज़ को अपने में रखते हैं, अनदर मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ को अपने में रखते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेस ऑफ लेड, किसका, ट्रेसेस ऑफ लेड और रिमूव्ड फ्रॉम सिल्वर. जो लेड के ट्रेसेस हैं उनको अगर सिल्वर में से निकाला जाए तो हम क्यूप्लिएशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. ठीक है ये था आपका क्यूप्लिएशन, समझ में आ गया होगा, एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है गाइस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग देखो जरा इसको भी प्यारे बच्चे. इन दिस मेथड, इस मेथड में इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड व्हाइल द कैथोड इज अ रॉड और शीट ऑफ प्योर मेथड. समझ में आया, जो अपना एनोड है ये क्या है, इम्प्योर मेटल के लिए है और जो कैथोड है इस पर प्योर मेटल है. ठीक है तो क्या हुआ, एनोड पे लिखा है इम्प्योर कॉपर मेटल, ठीक, और कैथोड पे लिखा है प्योर कॉपर मेटल. ठीक है द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल. जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ये वाला गाइस, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ये क्या रखता है, ये एक सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन रखता है. और जो ये सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन है ये किस चीज़ का है, CuSO4 का सॉल्यूशन है. तो देखो जरा जो ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है CuSO4, ये एनोड पर और कैथोड पर अपनी अपनी रिएक्शंस देगा. ठीक तो देखो एनोड पर इसकी रिएक्शन क्या आई, कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर आयन में, और दो इलेक्ट्रॉन निकल गए. ठीक अब इसमें देखो एनोड पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई,
आपकी हुई कॉपर प्लस टू आयन जो कि यहाँ निकला और दो इलेक्ट्रॉन, इसी के एकदम रिवर्स रिएक्शन नहीं तो जाएगी जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होती है बिल्कुल वैसे ही कि आपके कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो गया, समझे? तो ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शो कर दी गई। नेक्स्ट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक बार देख लो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से गाइज आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द प्योर मेटल गेट डिपॉजिट्स, ठीक है, ऑन द कैथोड, जो आपका प्योर मेटल है वो कैथोड पर आ गया, समझे? देखो ये आपका जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करी तो आपका जो CuSO4 आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, ये क्या हुआ, ये डिकम्पोज हुआ, ठीक है, ये अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दी इसने। फिर क्या हुआ कि जो आपका प्योर कॉपर था वो तो कैथोड की तरफ चला गया और इम्प्योर वाला एनोड की तरफ चला गया, ठीक, डिपॉजिट ऑन द कैथोड व्हाइल द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बिलो द एनोड, समझे, एज एनोड मड और एनोड स्लग्ज, ठीक है? तो देखो वही चीज़ है कि इसके नीचे यहाँ पर क्या हो गया, इम्प्योरिटीज बैठ गई एज अ मड और स्लज, और जबकि प्योर जो कॉपर था वो आपका कैथोड पर जाकर फिक्स हो गया और जम गया। मेटल लाइक CuAgAuCr ZnNiEtCr प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है इस टॉपिक में, आपको इस टॉपिक में मेन चीज़ याद रखनी है कि इनसे किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन होता है और किस चीज़ का इसमें एज अ सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आपको पता चल गया ना कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है आपका कौन सा, CuSO4, ठीक है? अब बताओ कैथोड पे आपका कैसा मेटल है, कैथोड पे कैसा मेटल है आपका, प्योर मेटल, ठीक है ना, प्योर CU आपका कैथोड पर है और एनोड पर आपका इम्प्योर CU है, क्या है, इम्प्योर CU, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरी चीज़ है कि कौन कौन से मेटल आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो वो ये हैं, ये चार चीज़ें आपको इस पॉइंट में याद रखनी है और डायग्राम आपको बनाना आना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, जोन रिफाइनिंग, क्या है ये, जोन रिफाइनिंग। तो देखो दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो आपका जोन रिफाइनिंग प्रोसेस है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर बेस्ड है। प्यारे बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, आपको ध्यान आ रहा होगा, नहीं ध्यान आ रहा है तो एक बार रिकैप कीजिए, दैट इज डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज, ठीक, दैट इज डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज, जो सॉल्युबिलिटी है इम्प्योरिटीज की उसमें जो डिफरेंस है ये उसकी बात हो रही है इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल, किसमें, मोल्टन फॉर्म में मतलब पिघली हुई फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, किसकी, किसी भी मेटल की, मेटल की सॉलिड फॉर्म में या फिर पिघली हुई फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी है ये उस पर बेस्ड आपका क्या है, मेथड है, जो कि किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, गेटिंग दिस पॉइंट, ये जोन रिफाइनिंग क्या है, तीन पॉइंट निकल कर आए हैं, हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके। पहली बात तो जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन, लाइजेशन, Crystallisation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 , ठीक है? एक तो आपका ये जो जोन रिफाइनिंग है ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन पर बेस्ड है, ठीक है? दूसरी चीज इसमें मतलब क्या है फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन से, वो है डिफरेंस इन इम्प्योरिटीज, इन इम्प्योरिटीज, ठीक, क्लियर? कौन सी वाली इम्प्योरिटीज, या तो वो सॉलिड हो या फिर मेल्टेड हो,
गेटिंग। तो ये आपके दो पॉइंट थे इस वाले पॉइंट के अंदर जो कि आपको याद रखने थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम। सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम एक्टेमोनाइड आर प्योरीफाइड बाय दिस मेथड। कौन कौन प्योरीफाई किया जाता है इस मेथड से? कुछ सेमीकंडक्टर्स प्योरीफाई किए जाते हैं। किसके बने हुए? या तो सिलिकॉन का बना हो, या जर्मेनियम का बना हो, या गैलियम का बना हो, या आर्सेनाइड का बना हो, या इंडियम एंटीमोनाइड का बना हो। ये सब किससे प्योरीफाई किए जाते हैं? ये सब जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से प्योरीफाई किए जाते हैं। किससे? जोन रिफाइनिंग से। ठीक, एलिमेंट इज वेरी हाई प्योरिटी, एलिमेंट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इसमें क्या होता है कि बहुत हाई प्योरिटी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिफाइन किए जाते हैं। गाइस आपने पता है ना, सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? शिफ्टिंग्स होती है ना मेटल्स की, जैसे कि आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, आर्सेनाइड है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल सेमीकंडक्टर्स, है ना। ये सेमीकंडक्टर्स किससे बने होते हैं? इसी से बने होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, आपका एक कैविटी क्रिएट हो जाता है जिसमें आकर आपका एक अनदर स्पेस क्रिएट होकर वो मेटल उसको वैकेंसी को फिल कर देता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? वही इम्प्योरिटी को रिफाइन करने के लिए आप जोन डिफाइनिंग का यूज करते हो। क्या करते हो? जोन डिफाइनिंग का यूज करते हो। अब बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। प्यारे बच्चे, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? वेपर फेज रिफाइनिंग। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। इन दिस मेथड क्रूड मेटल इज मेड फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। इस मेथड में जो आपका क्रूड मेटल है वो यूज किया जाता है कैसे? मुक्त करने के लिए इम्प्योरिटी से, इम्प्योरिटी से छुटकारा पाने के लिए, बाई फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इंटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड। किस में कन्वर्ट करके? इसके वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करके, बाई द हीटिंग विद अ केमिकल रिएजेंट। किसके द्वारा हीट करके? एक केमिकल रिएजेंट के द्वारा, एट लो टेम्परेचर। किस पर? एट लो टेम्परेचर पर। आफ्टर दिस द वॉलेटाइल कंपाउंड इज डीकम्पोज बाई हीटिंग। इसके बाद वॉलेटाइल कंपाउंड इज डीकम्पोज बाई हीटिंग टू सम हायर टेम्परेचर टू गिव प्योर मेटल। देखो, पहले आपका वॉलेटाइल कंपाउंड बन रहा है। कैसे बन रहा है आपका वॉलेटाइल कंपाउंड? किसी भी केमिकल रिएजेंट के साथ, किसी सुटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ हीट करा के उसे वॉलेटाइल कंपाउंड में क्रिएट किया जा रहा है। फिर जो आपका ये वॉलेटाइल कंपाउंड बना, इसे डीकम्पोज किया गया बाई हीटिंग। किसके द्वारा? बाई हीटिंग एट स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर। किसी स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पर उसको हीट करके वॉलेटाइल कंपाउंड को डीकम्पोज किया गया और आपने क्या गेन किया? प्योर मेटल। क्या गेन किया गाइज? प्योर मेटल। अब हम बात कर लेते हैं वैन आर्किल की। किसकी बात कर लेते हैं? वैन आर्किल मेथड की। तो चलो देखो वैन आर्किल मेथड क्या कहता है। वैन आर्किल मेथड कहता है कि इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर मेटल। ये क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा प्योर मेटल को क्लियर करता है या फिर गेन कराता है। यूज इन स्पेस टेक्नोलॉजी, यूज़ किया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो आप समझ गए, अपना वैन आर्किल जो मेथड होता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है और ये अल्ट्रा फाइन या फिर अल्ट्रा प्योर मेटल्स आपको प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल TiZrETC, जैसे कि आपका टाइटेनियम और जर्कोनियम ETC। कुछ रिएक्शंस इसकी दी हुई हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, वो देख लेते हैं। टाइटेनियम की रिएक्शन हो रही है हेलोजन से, ठीक है, किस पे? एक एट वेरी हाई डिग्री पर, ठीक है। कितना केल्विन है? 523 केल्विन। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो इसने क्या दिया? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया। क्या है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? TiI4, जो कि गैशियस स्टेट में है। समझे गाइस कि आपका इम्प्योर TiI ने रिएक्शन किया हेलोजन आयोडीन के साथ, जिसने आपको दिया एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि है TiI4 इन गैशियस स्टेट। इस TiI4 ने अगेन हीट किया तो 7
कितने पे? 1700 केल्विन पे इसको हीट किया गया और आपने क्या गेन किया? प्योर टाइटेनियम। क्या प्राप्त किया? प्योर टाइटेनियम प्राप्त किया और I2 आपका निकल गया। सेम है जर्कोनियम के लिए, देखो ZR आपका इम्प्योर, इसने रिएक्शन किया I2 के साथ कितने पर? 870 केल्विन पर। फिर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जो कि गैशियस स्टेट में था, इस प्रोडक्ट को अगेन आपने हीट किया कितने पे? 1800 केल्विन पर। और जब आपने इसको 1800 केल्विन पर मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पर डीकम्पोज कराया तो आपका प्योर जर्कोनियम प्राप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अक्रेंस एंड एक्सर्टेन अक्रेंस एंड एक्सर्शन ऑफ सम मेटल्स। क्या है गाइस? अक्रेंस एंड एक्सर्शन ऑफ सम मेटल। प्यारे बच्चे, आपके सिलेबस में अब कुछ ही रह गए हैं, निकल शायद आपका हटा दिया गया है 30% सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से, तो मैंने इसको आपके लिए नहीं डाला है निकल वाला, बाकी सारे जितने भी आपके सिलेबस में हैं डाल दिए हैं। बट अगर किसी को भी नीड हो तो मुझे बता देना, मैं उसका 10 मिनट का वीडियो बनाकर वो भी डाल दूँगी। ठीक है बच्चे, तो देख लो एक एक करके। अक्रेंस एंड एक्सर्शन ऑफ सम मेटल्स। नंबर वन, मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं। और बताओ जरा इसका एक्रेंस कहाँ से है? बॉक्साइड। इसका जो आपका मिनरल या ओर है वो है बॉक्साइड, Al2O3.XH2O। ठीक है, दूसरा है आपका क्रायोलाइट। ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए, बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं, Na3AlF6। ठीक है, मेथड देखो, कॉमन मेथड ऑफ एक्सर्शन। इसका कॉमन मेथड क्या है? मतलब एल्यूमिनियम को एक्सर्ट करने का कॉमन मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 डिजॉल्व इन मेल्टिन। किसमें? क्रायोलाइट। डिजॉल्व इन मेल्टिन क्रायोलाइट। ठीक है, Na3AlF4 किसमें? न्यूट्रल फ्लक्स पर। इसमें क्या किया इन्होंने कि क्रायोलाइट को डिजॉल्व किया Al2O3 के साथ और न्यूट्रल फ्लक्स पर इलेक्ट्रोलिसिस करा के आपने प्योर एल्यूमिनियम गेन कर लिया। एक इसका प्रोसेस ये है, न्यूट्रल फ्लक्स इज द न्यूट्रल कंपाउंड एडेड टू द ओर। अब ये बताया गया है कि आपका ये न्यूट्रल फ्लक्स होता क्या है। तो ये जो अपना न्यूट्रल फ्लक्स है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्या है गाइज? ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है एडेड टू द ओर। किसमें ऐड किया हुआ? ओर में, टू डिक्रीज इन द मोल्टिन पॉइंट। ठीक है, किसको कम करके? मेल्टिंग पॉइंट को कम करके, एंड टू मेक द कंडक्टिंग दैट इज CF2 एंड क्रायोलाइट। आपने सिंपली इस बात को समझना है कि जो आपका न्यूट्रल फ्लक्स है वो क्या कर रहा है? न्यूट्रल फ्लक्स ओर को ऐड कर रहा है। ठीक है, किसमें? न्यूट्रल कंपाउंड में। तो डिक्रीज क्या करने के लिए? टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए और कंडक्टिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल CaF2 एंड क्रायोलाइट क्या यूज़ किए जा रहे हैं इसके लिए? CaF2 या फिर क्रायोलाइट को यूज़ किया जा रहा है। यह है आपका एक्सर्शन ऑफ मेटल ऑफ एल्यूमिनियम। गाइस, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपका एक्सर्शन, वो है मेटल आयरन। मतलब आयरन के एक्सर्शन की बात करेंगे, अकेरेंस की बात करेंगे, प्रेजेंस की बात करेंगे। अकरेंस, तो अकरेंस है आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। गाइस क्या है इसके ओर? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट मतलब Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट मतलब Fe। गाइस ये स्मॉल ई है, Fe3O4। ठीक है, अब इसका कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं कि हमारा आयरन जो है उसे प्योरली गेन करने के लिए कॉमन मेथड कौन सा यूज किया जाता है। तो वो है रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। गाइस, हम रिडक्शन करते हैं ऑक्साइड का, किसके ऑक्साइड का? इसके ओर्स के ऑक्साइड का, हेमेटाइट का और मैग्नेटाइट का। एक्सट्रैक्शन करते हैं किसके साथ? CO के साथ एंड कोक विद ब्लास्ट फर्नेस। और गर्म करते हैं किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में, जिसको बोलते हैं हम वात्या भट्टी।
तो नेक्स्ट पॉइंट है द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेनिंग अबाउट 4% कार्बन एंड मैनी इम्प्योरिटीज। जो आपको वात्याभट्टी से आयरन प्राप्त होता है उसमें 4% तो आपका क्या होता है, कार्बन होता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं इन स्मॉल अमाउंट। और इम्प्योरिटीज किस किस की होती हैं, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकन और मैगनीज की, जो कि क्या कहलाती है, पिग आयरन कहलाती है। गाइस क्या कहलाती है, पिग आयरन कहलाती है। गाइस आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछने का तरीका होता है कि कौन सा वाला आपका आयरन की फॉर्म सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो आपके सामने चार फॉर्म रख दी जाती हैं आयरन की और आपसे पूछा जाता है कौन सी वाली फॉर्म सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो आप ये देख पा रहे होंगे पिग आयरन तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट आयरन, आपका दूसरी फॉर्म जो है आयरन की वो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। जो कास्ट आयरन है वो पिग आयरन से डिफरेंट है एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन। और ये बनाई जाती है मेल्टिंग पिग आयरन द्वारा विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। और इसको यूज किया जाता है टू कोक, गर्म करने के लिए, कोक करने के लिए, पकाने के लिए, बेक करने के लिए हॉट एयर ब्लास्ट। क्या यूज किया जाता है, हॉट एयर ब्लास्ट। इट इज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट। इसमें पिग आयरन के कंपेयर में आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, जो कि होती है अबाउट 3%। और पिग आयरन में हम लोगों ने कितने परसेंट देखी थी, पिग आयरन में जो आपकी क्वांटिटी थी वो थी 4% एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटाइल। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटाइल मतलब खुरदुरा होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये कास्ट आयरन के बारे में बात कर रहे हैं। आयरन की अगर दूसरी फॉर्म की तरफ चलें तो है रॉड आयरन। रॉड आयरन में क्या है, जिसे हम बोलते हैं मैलिएबल आयरन। तो जो आपका ये मैलिएबल आयरन है गाइज, ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है ऑफ आयरन एंड प्रिपेयर फ्रॉम द कास्ट आयरन। और ये कास्ट आयरन से प्राप्त की जाती है बाई द ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन रिवर्बेटरी फर्नेस। किसके द्वारा ऑक्सीडाइज करके, रिवर्बेटरी फर्नेस द्वारा, लाइंड विद द हेमेटाइट। किसके से, हेमेटाइट से, जो आप उसका ओर होता है आयरन का, हेमेटाइट, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। दिस हेमेटाइट ऑक्साइड कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं। और जब हम इसको कार्बन के साथ हॉट एयर फर्नेस में हीट करते हैं तो आपको प्योर फेरस या फिर प्योर आयरन मिल जाता है और आपकी कार्बन मोनोगैस आपकी बाहर निकल जाती है। तो ये था आपका कार्बन का। अब आप समझ गए होंगे इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योर जो फॉर्म है वो कौन सी है, वो है आपके पिग आयरन। कौन सी है गाइस, पिग आयरन है। और सबसे ज़्यादा इम्प्योर के साथ प्योर कौन सी है, वो है रॉड आयरन या फिर मैलिएबल आयरन, ठीक। तो आपके सामने दो टर्म्स हैं, प्योर और इम्प्योर। आप समझ गए होंगे कि आपके आयरन की कौन सी फॉर्म प्योर है और कौन सी इम्प्योर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉपर को। मेटल है कॉपर, तो कॉपर का आप देख लेते हैं एक्सर्शन और अक्रेंस। तो कॉपर का अक्रेंस कहाँ से हो रहा है, कॉपर क्यूप्रिट से, ठीक है ना, सॉरी कॉपर पाइरेट से हो रहा है। कॉपर पाइरेट्स CuFeS2, इसका फॉर्मूला है CuFeS2। दूसरा आपका है, पहला और हो गया आपका कॉपर पाइरेट, दूसरा हो गया कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला है Cu2S, ठीक है गाइज। ये दोनों आपको नाम पता होने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। द कॉमन मेथड ऑफ एक्सर्शन, कॉमन मेथड इसका एक्सर्शन का क्या है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शियली एंड रिडक्शन। इसको जिसके सल्फाइड्स को रोस्ट करना होता है और रिडक्शन करना होता है, ये तरीका होता है कॉपर को गेन करने का। तो देखो Cu2S जो कि है कॉपर ग्लांस प्लस FeS इज कॉल्ड मेटे। Cu2S और FeS को साथ में क्या बोलते हैं, मेटे बोलते हैं। और देखो
ब्लिस्टर कॉपर कंटेन 96-98% कॉपर, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसमें मिल रही है, ब्लिस्टर कॉपर में, जो कि है 96-98% विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एजी एंड एयू, और इसमें छोटी सी अमाउंट किसकी होती है, एजी की और एयू की, एज इम्प्योरिटी, किसके रूप में, एज इम्प्योरिटी। तो गाइज आप समझ गए हो कि इसका जो कॉमन तरीका है गेन करने का वो क्या है, रिडक्शन है और रोस्टिंग विद पार्शियली सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड को पार्शियली रोस्ट करके और रिडक्शन करके इसे हम गेन कर सकते हैं। इसके जो ओर हैं वो है कॉपर पाइराइट, कॉपर गेन, और इसका जो प्योर फॉर्म है जिसमें मैक्सिमम कॉपर आप गेन करते हो वो है ब्लिस्टर कॉपर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज मेटल जिंक, आज हम देखते हैं अब लास्ट शायद गाइज होगा ये आपका, ये है मेटल जिंक जिसकी अक्रेंस कहाँ पर है। गाइज इसकी अक्रेंस देखो आप, इसकी अक्रेंस है जिंक ब्लेंड में और सल किस में, सफेराइट में, जिसे ZnS बोलते हैं, ठीक है ना, कैलेमाइन में, ZnCO3, देखो इसको नॉर्मली जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जिंक ब्लेंड, कैलेमाइट एंड जिंक साइट, किसका है, जिंक साइट। इसके फॉर्मूला देखो, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला है ZnS, कैलेमाइट का फॉर्मूला है ZnNCO3, ठीक है, एंड जिनिसाइट का फॉर्मूला क्या है, ZnO, ठीक है गाइज। तो ये तीन है आपके, और आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके जो मिनरल मेटल जिंक है उसके कौन कौन से ओर है, तो जिंक ब्लेंड है एक, ठीक है, जिंक माइट है, सॉरी जिंक साइट है और कैलेमाइट है। अब बात करें इसके कॉमन मेथड ऑफ एक्सर्शन की, कि वो कौन सा कॉमन मेथड है जिसके द्वारा आप इसे निकाल सकते हो, तो वो है रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ कोक, ठीक है, आपका रोस्ट करना है, रिडक्शन करना है विद कोक, ठीक है। द मेटल मे बी प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब मेटल निकालते हैं तो उसे किसके द्वारा हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, और जब प्योर जिंक निकलता है तो वो कितना परसेंट निकलता है, वो निकलता है 97-98%, इसे बोलते हैं स्प्लिटर, क्या बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं। तो गाइज ये था आपका जिंक, जिसके आपको और पता चल चुके हैं, तीन और होते हैं, और इसका जो कॉमन निकालने का तरीका होता है वो रिडक्शन होता है और रोस्टिंग होता है, साथ में इसे प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, और टोटल जो हम गेनिंग करते हैं जिंक की वो 97-98% करते हैं। गाइज एक लास्ट आपका रह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, ये है आपका कॉपर, कौन सा रह गया है, कॉपर, इसको भी देख लो, मैं तो स्लाइड शो करके दिखा देती हूँ। गाइज ये है आपका कॉपर, तो देखो कॉपर में क्या है, कॉपर के आपके दो हैं ओस, नंबर वन कॉपर पाइराइट जिसे कि CuFeS2 बोलते हैं, दूसरा है आपका कॉपर ग्लैंस, क्या है गाइज, कॉपर ग्लैंस जिसे बोलते हैं Cu2S, क्लियर। तो ये दो आपके इसके क्या हो गए, ओर्स हो गए, मतलब आपका CU किन से प्राप्त होता है, कॉपर पाइराइट से या फिर कॉपर ग्लैंस से। अब इसके कॉमन मेथड की बात कर लेते हैं, तो इसका कॉमन मेथड क्या है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और रिडक्शन, सेम मेथड है, ठीक है, पीछे आप देख चुके होंगे Cu2S Fe, गाइस ये आई थिंक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका Cu2S और Fe क्या होता है, मेटे होता है, और ब्लेस्ट कॉपर में 96-98% आपका कॉपर प्राप्त होता है। गाइज ये था आज का आपका टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक था या फिर ये जो चैप्टर था, आपको जो बोलना है बोल लो, जिसका नाम था प्रिंसिपल प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका कोई टॉपिक आपके लिए मैंने नहीं छोड़ा है। गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, 2-3 बार इसे रिवाइज करना है। देखो ये पूरा थियोरेटिकल है, आप इसे कितनी बार पढ़ रहे हो, कितनी बार समझ रहे हो, जितनी बार आप इसे पढ़ोगे उतनी बार आप इसमें नई नॉलेज पाओगे, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, जैसे ओर है, मिनरल है, टेम्परेचर है, रिएजेंट है, या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड थिंग्स हैं, या फिर एनोड कैथोड का सीन है,
इस टाइप के जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उसको आपको थोड़ा क्रैम भी करना पड़ सकता है। बट गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप 2 या 3 बार टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको क्रैमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चीजों को समझ पाओगे। एंड सेकेंड अनदर थिंग, मैं आपके सामने एक बहुत बड़े कंटेंट को छोटे से एरिया में कवर करती हूँ। गाइस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हो, आप भविष्य में एक भावी स्टूडेंट बनना चाहते हो, एक होनहार बच्चे बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी को सफल करना चाहते हो, तो बुक से रिश्ता खत्म बिल्कुल मत करना। मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, साथ में आप लोग वो बुक को भी पढ़ोगे। जो बुक में आपका चैप्टर दिया है आप उसे भी पढ़ना, मेरी PPT पढ़ना, जो मैंने आपको स्लाइड्स दी है, आप पहले वीडियो देख के चीजों को समझ लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको टॉपिक पूरा समझ में आ जाए, चैप्टर पूरा समझ में आ जाए, फिर आपने अपनी बुक उठानी है और बुक से फिर से एक बार पढ़ना है। ट्रस्ट मी गाइस, आप खुद में एक बहुत बड़ा चेंज पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय ऑल, थैंक यू सो मच।